करीम क्या हुआ? क्या हुआ इसको? इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसे एडमिट करना पड़ेगा। क्या हुआ नैना? डॉक्टर अच्छा हुआ आप आ गए, इसे बहुत तेज बुखार है। ठीक है मैं देखता हूँ, तुम जाकर जल्दी से नर्स को बुलाओ, जल्दी करो। तुम नहीं बचोगी नैना, नहीं बचोगी। चलो शाबाश, अब अपना मुंह खोलो, आ करो, जबान बाहर निकालो। ओके, एक दो मिनट अपना हाथ बिल्कुल सीधा रखना, ठीक है करीम? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नई टीम के साथ सब कुछ शुरू से करना होगा। जाहिर सी बात है इसमें वक्त भी लगेगा। जी हाँ, कुछ इमरजेंसी हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। जी मैं आ जाऊंगी। 102 काफी ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं खुद सुपरवाइज कर लूंगी सब कुछ। और रही बात टीम की, तो अगर आप बुरा ना माने तो फोन बंद कर देंगी, मुझे कुछ बात करनी है। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। चले ठीक है, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। कहिए क्या बात है? क्या मतलब क्या बात है? आपका बेटा काफी ज्यादा बीमार है, जानती है ना आप ये? जी जानती हूँ, और जानबूझ के मैं फोन पे बात नहीं कर रही थी, मुझे और भी बहुत से काम है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसने रात में क्या खाया था, और सुबह नाश्ते में क्या खाया था, और बेहोश होने से पहले। क्या इस बच्चे को ऐसे ही इतना तेज बुखार होता है? वैसे तो ये बहुत कम ही बीमार होता है, और ठीक से याद भी नहीं है मुझे। और ये क्या खाता है, क्या पीता है, ये सब तो एमन को मालूम है, इसलिए मुझे नहीं मालूम इसने क्या खाया और कब खाया। रात को कोफ्ते खाए थे मैंने, और आलू भी खाने थे मुझे, लेकिन दिए ही नहीं एमन आपा ने। और फिर सुबह उन्होंने मुझे अंडे और आलू मिक्स करके दिए थे। तो सुबह तुमने अंडे और आलू खाए थे? नहीं, बल्कि सिर्फ आलू ही खाए थे मैंने, क्योंकि अंडे इतने कम थे उसमें कि मिले ही नहीं मुझे। ठीक है, तुम्हारे साथ पहले कभी ऐसा हुआ कि तुम इस तरह बेहोश हो गए हो? जी पिछले साल समर कैंप के दौरान हुआ था। क्या हुआ था, मुझे डिटेल बताओगे? बहुत जरूरी कॉल है मेरी, मैं बस अभी आती हूँ। उफ यार, आप उन्हें इतने गुस्से में तो ना देखें प्लीज, वो बुरी नहीं है, बस थोड़ा मसरूफ रहती हैं, और आदत की बहुत अच्छी है। छोटे हो लेकिन बातें बहुत अच्छी करते हो। बहुत शुक्रिया आपका, आप भी बहुत प्यारी हैं। मैं तो हूँ ही इतनी प्यारी, वैसे तुमने मेरी तारीफ की इसलिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नैना कैसा है? यानी कि मैं वैसे क्या आप दोनों कपल हैं? क्योंकि डॉक्टर आपको इस तरह से देख रहे हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं, मेरा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हाँ? हैं? इस वक्त इसे ऐसा करती हूँ कि मैं इसे इस वक्त बुखार कम करने की दवाई दे देती हूँ। ओके डॉक्टर? ठीक है हाँ, ठीक है नैना, फिर आप इस बच्चे को दवाई दे दें बुखार की, जल्दी से। ठीक है जल्दी, और दवाई उस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ है नैना। करीम इसे ऐसे देखना बंद करो, कुछ देर बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ड्रिप लगी हुई है, समझ आ रही है? नैना प्लीज आप इनकी मदर को बुलाएंगे, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी से प्लीज। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, अगर आप कहें तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ, सब पता है मुझे, पूछिए जो पूछना है। ठीक है करीम, वैसे भी मैंने नर्स से तुम्हारी रिपोर्ट्स मंगवा ली हैं, मैं तुम्हारी अम्मी से बाद में बात कर लूंगा, जब तक तुम चाहो तो हमसे खुलकर बातें कर सकते हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तुम हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट्स आने में टाइम है, उसके बाद ही हम इलाज शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि सेहतियाब होके जाओ तुम यहाँ से। लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गया था मैं, डॉक्टर ने कहा कि मुझमें विटामिन की बहुत कमी है, और दवाइयाँ दे दी, और शायद आयरन की भी कमी है, इसलिए मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं करो यार, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे तो अपने कपड़ों तक का होश नहीं होता था। नैना मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये बच्चा बहुत ज़हीन है। अरे आपने करीम के बालों का स्टाइल ही खराब कर दिया, देखो इसका हेयर स्टाइल बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। क्यों, इनका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है करीम, बातें बहुत करते हो तुम। तो ये बुरा है? तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है,
अब तुम्हारी जिंदगी तबाह करने की मेरी बारी है। ना ही किसी को कुछ बता सकती हो तुम, और अब से तुम सिनान से दूर रहोगी। क्या हुआ नाना? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं जरा लैब जाती हूँ और इसकी रिपोर्ट्स का मालूम करती हूँ, और उसके बाद आयला से मिलने जाऊंगी। जब से चीफ बनी है वो काफी मसरूफ हो गई है, इसलिए सोचा कि खुद ही जाके मिल लूँ उससे मैं। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ करीम, अपना ख्याल रखना और कुछ देर में दोबारा आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? दोस्त, एक मशवरा दूं मैं तुम्हें, और दोस्ताना मशवरा है, कभी भी औरत को समझने का दावा मत करना, क्योंकि तुम उन्हें कभी नहीं समझ सकते। चलो अब मैं चलता हूँ, अब तुम भी लेट कर जरा आराम करो, ख्याल रखना अपना, ठीक है? नैना, नैना। हाँ बोलो सिना। नैना, तुमसे एक सवाल पूछूंगा और उसका सच सच जवाब देना। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? इस वक्त मैं कुछ भी नहीं बता सकती, और वैसे भी ये मुनासिब जगह नहीं है, बाद में बात करेंगे तो अच्छा होगा। क्या हो गया है नैना? वो डॉक्टर, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो बस थोड़ी देर बाहर आई हूँ, और वैसे भी इस वक्त ड्यूटी पर हूँ मैं, और ड्यूटी कर रही हूँ मैं, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके बाय। अरे यार, आयला प्लीज रुको, मैं इन्हें मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ। हर खाने के बाद एक गोली खानी है, और इंजेक्शन हर 2 हफ्ते बाद आपको एक लगवाना है। इस तरह इनमें आयरन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। और हाँ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपको ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा बिल के साथ ही। और हाँ, करीम को हर 2 हफ्ते बाद चेकअप के लिए आपको मेरे पास लेकर आना होगा। आयरन की कमी है इसमें? जी मोहतरमा, बिल्कुल ठीक समझी, इसमें आयरन की कमी है, और इसी डेफिशिएंसी की वजह से इन्हें कमजोरी भी है। और जो इनका पहला टेस्ट हो चुका है उसमें ही ये बात सामने आ चुकी थी, जो कि करीम भी जानता है, लेकिन शायद आप इस सब से वाकिफ नहीं है। अच्छा ठीक है। नैना, करीम को तैयार कर दो, इनकी छुट्टी का टाइम आ चुका है। ठीक है, करीम जाने के लिए तैयार हो जाए। और हाँ, अपनी उस ऐप में मुझे ऐड करना मत भूलना, हम दोनों साथ मिलकर गेम्स खेलेंगे। काश कि यहीं रहता मैं, आप लोग अच्छे लगे मुझे। काश कैसा होता, आप दोनों मेरे माँ बाप होते, हम साथ में खूब खेलते। ऐसे नहीं कहते, और हम तो मिलते रहेंगे ना, परेशान होने की क्या बात है, हम तुम्हारे साथ गेम्स भी खेलते रहेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी, अगर आप इधर आ जाएं और करीम के साथ रहें तो हम इन्हें डिस्चार्ज कर चुके हैं। आ जाओ करीम, हम चलते हैं। चलो जाओ अपनी अम्मी के साथ करीम। कितना प्यारा बच्चा है ना। हेलो डॉक्टर। हेलो एपिक। डॉक्टर नैना, इस वक्त आप यहाँ? क्या कहा तुमने? सॉरी डॉक्टर नैना, वो दरअसल अली का मतलब ये है कि क्या आज नाइट शिफ्ट है आपकी? हाँ 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 हाँ। अरे वाओ, आज हम सबकी नाइट शिफ्ट है। हाँ जूनियर्स, आज हमारी नाइट शिफ्ट है, और आज हम बहुत मजा करने वाले हैं, बहुत। नैना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ सब में? क्या आप भी नाइट शिफ्ट? नैना, अगर तुम ये पूछना चाह रही हो कि क्या मैं भी आज नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो हाँ मैं भी नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकती। चलती हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया है मुझे, बहुत जरूरी। ठीक है डॉक्टर, तो मिलती हूँ बाद में। नैना। हाँ नैना, क्या हुआ बताओ मुझे प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सुबह से इधर उधर भाग रही हो तुम। हाँ क्यों परेशान हो बताओ मुझे, क्या बात है, नाराज हो क्या मुझसे? सनान जरा जगह देना, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। आबिद। अच्छा बात सुनो दोस्तों, मैंने तुम लोगों को फ्री में खाना खिलाया ताकि तुम लोगों को अंदाजा हो कि मैं कितना अच्छा खाना बना सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छा फीडबैक दो मेरे रेस्टोरेंट का, ताकि मेरे रेस्टोरेंट की ट्रैफिक में इजाफा हो, और सारे लोगों को ये भी बता देना कि हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से फ्री इलाज की सहूलत भी मैसर है। #आबिद एंड हिज रेस्टोरेंट एंड फ्री ट्रीटमेंट।
तुमने हमें खाने में जहर दिया। तुम चाहते हो हम तुम्हारी तारीफें करें? मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें, सारी दुनिया को असलियत बताऊंगा। देखे सर, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस शख्स की चाहे जितनी भी बेइज्जती कर लो, इसके लिए कमी होती है हमेशा। नैना यार, इस तरह की बातें अगर तुम करोगी तो फिर दूसरे क्या कहेंगे? और ये बात तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे इस कदर अफसोस हुआ है ना कि मैं क्या बताऊं। और सर, आपसे मेरी दरखास्त ये है कि आप किसी से भी आइंदा ये नहीं कहेंगे कि मैंने आपको जहर दिया है। वो एक खास डिश थी जिसका टेस्ट आपके लिए डेवलप नहीं हुआ था और आपके मेदे ने एक्सेप्ट नहीं किया उसे। चार चार डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, मगर अफसोस कोई भी तैयार नहीं है मदद करने के लिए मेरी। सुनो जरा, मरीजों के लिए पानी लेकर आओ और इन्हें पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। इन्हें ऑब्जर्वेशन पे रखें और मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की कोई कोताही हो इन सब के इलाज में। और हाँ, इसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ या फिर ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। यार डॉक्टर सिनान कभी भी तो मेरा साथ नहीं देते, मगर मैं एक बात आप लोगों से कहता चला जाऊं कि सोशल मीडिया पे हैशटैग करना मत भूलिएगा। क्या खाने में जहर था? जी मोहतरमा, जहर की थोड़ी बहुत मकदार थी, लेकिन आप परेशान ना हो, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और ड्रिप खत्म होने का इंतजार करें। बाकी शायद आज रात आप लोगों को यहीं पर रहना पड़ेगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। शुक्रिया की कोई बात नहीं है सर, ये तो मेरा फर्ज है। अब बस आप लोग अपनी आंखें बंद करें और आराम करें, और अगर सोना चाहते हैं तो सो भी सकते हैं, इसी बहाने ड्रिप भी जल्दी खत्म हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। गेट वेल सून। डॉक्टर जरा मेरा हाथ चेक कीजिएगा, दर्द हो रहा है मुझे। अब ठीक है मैडम? हाँ, अब कुछ बेहतर हो गया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। डॉक्टर सिनान, मैं जरा बाहर आबिद को देखकर आती हूँ। अली और एपिक उसे नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। नैना, 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 नहीं जाओ ना। क्या हो गया तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे क्यों भाग रही हो। नहीं, वो मैं तुमसे भाग नहीं रही, बल्कि काम है इसी वजह से, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, जाओ तुम। क्या हो रहा है ये? डॉक्टर, आपसे मिलने की जिद कर रहा था ये आबिद। कहो डॉक्टर सिनान आपके सामने। बोलो आबिद, क्या बात है? सबसे पहले मेरी तरफ से तुम ये रखो। आबिद हाथ मत लगाओ और अपने पास रखो। यार डॉक्टर सिनान, बहुत बुरी बात है, तुमने कहा कि खाने में जहर पाया गया है और ऊपर से उन लोगों से कहा कि उन्हें रात भर यहाँ रुकना पड़ेगा। यार ऐसा मत करो, क्या इन लोगों को मेडिसिन देकर हॉस्पिटल से फारिग नहीं किया जा सकता अभी के अभी? नैना, आबिद को इसी वक्त यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मेरे पास कोई खाली बेड नहीं है और इसे खड़े होकर मैं इसका इलाज करना नहीं चाहता। हाँ, अगर समझ आ गई हो तो चलो यहाँ से। सुनो नैना, हाँ, एक काम करो, तुम उन लोगों के पास जाओ और उन लोगों से कहो कि वो बिल्कुल फिट फाट हैं और तुम ही हो जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकती हो। नैना प्लीज, मुझे बचा लो यहाँ, खुदा के लिए रहम करो मुझ पर। कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ, एक जरूरी ऐलान समाज फरमाए। आज जो कुछ रेस्टोरेंट में हुआ उसके लिए रेस्टोरेंट की इंतजामिया बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, और अगर आज आप इस हॉस्पिटल में रुके तो आपको हॉस्पिटल के सारे अखराजात बेयर करने होंगे, क्योंकि हमने आप लोगों से कोई बिल नहीं लिया है खाने का, तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर आपको यहाँ पर पहुँचाने की सहूलत दी गई थी रेस्टोरेंट की जानिब से। और एक बात आपको फिर याद दिला दूं कि आप हैशटैग करना मत भूलिएगा, हैशटैग शेफ आबिद, हैशटैग रेस्टोरेंट। ओके बाय गाइस। आबिद जरा देखो तो इस आदमी को, न जाने किसने इसे होटल की जिम्मेदारी दे दी है। शिकायत करें, हैशटैग आबिद के साथ इसके नाम पर शिकायत करें सोशल मीडिया पर, जितनी हो सकती है करें, और हैशटैग आबिद लगाना मत भूलिएगा। नैना, वो डॉक्टर, मुझे बहुत जल्दी इसलिए जाना होगा मुझे यहाँ से। हदे यार। हेलो, हाँ केनान, सॉरी यार, मेरे जहन से निकल गया था, वो एक बच्चा मरीज आ गया था तो मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सका। हाँ बोलो। अरे यार सॉरी, मैं आज रात गेम नहीं देख सकता, हॉस्पिटल में काम है बहुत मुझे। नहीं नहीं, नाइट शिफ्ट तो नहीं है, लेकिन अपनी असिस्टेंट की मदद करनी है, नैना की। शायद तुमने उसे देखा भी होगा हॉस्पिटल में। अच्छा, अगर हम अगले हफ्ते साथ मिलकर मैच देखें तो कैसा रहेगा? ठीक है, फिर अगले हफ्ते देखते हैं सिनान। देखते हैं।
इस बार तुम्हारा बचना हरगिज़ मुमकिन नहीं है नैना। अरे नैना रुको रुको रुको, क्या हो गया? आराम से, इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? शुक्र है तुम पर कॉफी नहीं गिरी, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिन्हा। गुड मॉर्निंग, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। ओके गुड, अगर ठीक हो तो फिर घर चलें, थक गई होगी, क्या ख्याल है? तुम जाकर पहले तैयार होना और फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा और फिर हम कहीं वॉक पर चलेंगे, मेरे ख्याल से समंदर पर चलेंगे, क्या ख्याल है? बोलो। अगर ना जाए हम, जाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और वैसे ही काफी देर हो गई है, तो इसलिए हमारा यहीं रहना बेहतर होगा डॉक्टर। नैना लेकिन हम क्यों नहीं जा रहे? हमने पूरी रात की ड्यूटी की और उसके बाद आज हमारी छुट्टी है, तो क्यों ना एंजॉय करें? वो क्योंकि और हिम्मत आ गई है मुझ में भी, मेरा मतलब है कि यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स के लिए एक मिसाल कायम करूँ मैं, इसलिए सोचा कि मैं यहीं रहकर अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दूँ। आपको अगर जाना है तो जाएं और जाकर सो जाएं, और जब उठ जाएं तो फ्रेश होकर समंदर की तरफ चले जाएं, वहाँ का मंजर एंजॉय करें, खाएं पिएं, वॉक पर निकल जाएं, और भी बहुत कुछ होगा वहाँ करने के लिए, अगर कुछ ना हुआ तो मछलियाँ पकड़ लीजिएगा, और जब थक जाएं तो घर चले जाइएगा। अच्छा तो अब मैं जा रही हूँ, जाके फ्रेश हो जाती हूँ, फिर ड्यूटी ज्वाइन करती हूँ अपनी। ये जानबूझ के नहीं किया मैंने, मगर ये सब कुछ मुझसे क्यों हो जाता है? ठीक है ओके डॉक्टर, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। ठीक है नैना। अच्छा एक मिनट रुको जरा, आज कॉफी ना गिरा के तुम तारीख रकम करने वाली थी लेकिन ये भी मिस कर दिया तुमने। जी डॉक्टर नैना, ये भी चेक कर लीजिएगा और ये भी। हे गाइस, ठीक है ना? हेलो डॉक्टर। ओके हेलो नैना, कौन सी एनर्जी आ गई तुम में? क्या मतलब? नैना मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया लेकिन तुम अचानक गायब हो गई, और ऐसी गायब हुई कि नजर भी नहीं आई। वो आप तो जानते हैं कि कल रात आबिद के साथ जो मरीज आए थे ना, उनके चेकअप के लिए मुझे सुबह जाना था, इसके साथ साथ मैंने उनके डिस्चार्ज पेपर्स बनाने के लिए भी मलिक से कहा था, तो उसी सिलसिले में यहाँ खड़ी हूँ मैं। मलिक जिन डॉक्यूमेंट्स का कहा था वो दे दे मुझे। मुझे डॉक्यूमेंट देने थे? हाँ मलिक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपसे कहा है, क्या भूल गए आप? डॉक्यूमेंट्स? हाँ हाँ बिल्कुल डॉक्यूमेंट, ये रहे वो डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए थे, ले लीजिए। हाँ शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिन्हा, क्या हुआ? काफी थके थके लग रहे हो, सोए नहीं हो क्या? लगता है सारी रात बातों में लग रहे हो। हाँ सारी रात हम सिर्फ बातें ही करते रहे, इतनी बातें तो मैंने आज तक नैना से नहीं की होंगी जितनी मैंने कल रात में कर डाली। उड़ा लो मजाक, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी तुम्हारा इसी तरह मजाक उड़ाता, ठीक कर रहे हो। अच्छा बताओ तो हुआ क्या है? पता है मैंने कल रात ड्यूटी की क्योंकि, हालांकि मेरा नाइट शिफ्ट में नाम तक नहीं था, सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं नैना की मदद कर सकूं और उसके साथ रह सकूं और उससे कुछ बातें कर सकूं, तो इसीलिए मैं सारी रात यहीं पर था। ओह तो ये बात थी, जबरदस्त यार, बहुत अच्छा किया तुमने। खैर दोनों साथ तो थे कम से कम। हाँ हाँ हम सारी रात साथ थे, बल्कि जुड़वा लोग इतने एक दूसरे से चिपके हुए थे और इतना मजा आया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस हम बातें ही करते रहे, काम तो किया नहीं। छोड़ो यार सिन्हान, मुझे काफी तुम गुस्से में लग रहे हो, बताओ तो हुआ क्या है? कोई एक बात हो तो बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बताऊं मैं, पता नहीं क्या हो गया यार। आई मीन नैना मुझे जब भी देखती है, जहां भी देखती है वहां से फौरन भाग जाती है कोई ना कोई बहाना करके। यार कल तक तो सब कुछ ठीक था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक उससे क्या हो गया, ना ही वो मुझे कुछ बताने को तैयार है। सब औरतें एक जैसी होती हैं, वैसे गुस्सा मत करना, आईला भी ऐसी है। मैं क्यों गुस्सा करूंगा, बाकी सब एक जैसी होती हैं, लेकिन तुम्हें भी उसे समझने की जरूरत है, प्यार से पेश आओ। चीफ बनने के बाद से उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो कम से कम तुम तो उसे समझो यार। हाँ ठीक कह रहे हो तुम सिन्हा, चलो मैं निकलता हूँ फिर, हाँ ख्याल रखो। ये
ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुमने मेरे बालों को हाथ लगा के मेरा ध्यान बटा दिया, मुझे अपनी बातों में लगाकर हरा दिया। अच्छा खासा मैं जीत रही थी और चीटिंग करके तुम खुद जीत गए, मैं नहीं मानती। हाँ यार नैना बस करो। और अगर ना करूँ तो क्या करोगे? आखिर ऐसा क्या हो गया है यार? कुछ तो बात है जो नैना मुझसे भाग रही है, लेकिन आखिर क्या बात हो सकती है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नैना? डॉक्टर वो देखा नहीं मैंने। नैना मुझे तुम्हारी हरकतें अच्छी लगने लगी हैं। क्या? वरना मुझे ऐसी शक्ल देखने को कहां मिलेगी? तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत मिस कर रहा था। मैं भी मिस कर रही थी। तुम जब मुस्कुराते हो ना तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी सी हो जाती हैं। नैना तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मैं दूर जा रही हूँ तुमसे? हाँ तो और नहीं तो क्या, कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? वो इसलिए दूर रहना ही होगा मुझे तुमसे, इसी में तुम्हारी भलाई है सनम। और हाँ मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती, इसलिए सॉरी। नैना क्या मतलब हुआ इस बात का? सिनान मुझसे मजीद सवाल मत पूछो प्लीज। नैना देखो मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ मुझे। डॉक्टर एक मरीज आया है जो बहुत जख्मी हालत में है, आप उन्हें चल के देख सकते हैं क्या? क्या कहा? मरीज? मुझे जाकर उसे देखना चाहिए।